देश प्रदेश प्रोग्राम देख रहे तमाम दर्शकों नूं अज दे प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत करना चाहुंदा और नाल ही उन्हां दर्शकों दा धन्नवाद जिहड़े सानूं वन सुवन्ने सवाल भेजदे ने। बहुत सारियां दिक्कतां तुहाडियां परेशानियां साडे सवाल बणदे ने, उन्हां सवालां दे रूप दे विच साडे एक्सपर्ट्स जवाब दिंदे ने, उह जवाब तुहाडे लई इक अवेयरनैस दा कम करदे ने। अज पायनर वल्लों साडे नाल डॉक्टर रवि गर्ग जी जुड़े हुए ने। गल्लबात दा सिलसिला सिर्फ और सिर्फ कैनेडा जनवरी इनटेक और सैप्टेंबर इनटेक 2017। बहुत बच्चों के दिमाग च होगा जी हुणे तों हले एक साल तो ज़्यादा समा पिया, पहले ही असं एनालिसिस कर रहे हैं। ये उन्होंने बच्चों लिए जिन्हों के जनवरी के कोर्सिस नहीं रहे, सीटा भर गई, उन्होंने की करना चाहिए जनवरी तो बाद जो सैप्टेंबर 2017 का इनटेक आएगा, अज तो तैयारियां करनी चाहिए, उन्होंने बारे टिप्स करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब तुम्हारा। चंदू साहब शो से सदर देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दर्शकों बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। पहला मैं जी इस तो पहला जेडे इन्ना प्यार देंगे, इन्ना मान देंगे, कई कई घंटे वेट करके मैनू मिलन दे लई इन्ना इंतजार करते ने, ते इस गल दी कमिटमेंट कि जिस मोटो नू लैके कंपनी नू खोलिया सी 100% जेनुअन केयर ऑनेस्टी सिंसियरिटी। बहुत एक मेरे दोस्त ने बड़े अच्छे वर्ड जिहड़े साडे फिरोजपुर कैंट दे विच कहिंदे आर्मी एरिया दे विच सीगे, कहिंदे इमानदारी जिम्मेदारी ते वफादारी, ते आर्मी दे वर्ड्स ने बड़े अच्छे लगे मैं, दिल में बड़े बड़े अच्छे लगे। वाकई अगर तीन चीज़ों का अगर ख्याल रख लिए तो मेरा ख्याल है सारी बड़ा जोड़े शॉर्ट टर्म चुनते ने बेनीफिट्स गोल्स में जिन्हों कहने कि अंडे सोने दे लैना चाहते ने, उन्होंने नुकसान होंगे एक्चुअली जरा अल्टीमेटली। लेकिन जोड़े लोंग टर्म गोल जोड़े लंबी रेस के जोड़े घोड़े होंगे ने और लोंग टर्म बेनीफिट्स में ध्यान देंगे ने, वो इन्हों तीन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। मैनू पूरा ख्याल है इन्होंने चीज़ों का और जोड़े मैं स्टाफ भी मेरे जोड़े है हम देखते हैं शोज, उन्होंने भी यही हिदायत है इंस्ट्रक्शन हैगी है और हर एक किसी मेरी खास तौर पर बच्चे जोड़े ने उन्होंने वड्या का फर्ज भी हैगा कि आप सही राह पर पाइए। तो मेरे जोड़े भैन भरा ने उन्होंने वो तो आप ही बड़े समझदार ने, लेकिन बच्चों वास्ते यही तीन वर्ड मैं चाहना कि वह सारी उम्र ख्याल रखन तरक्की वास्ते। हर बंदा कहिंदा मैं तरक्की करा, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सैसफुल परसन, लेकिन जदों तुहाडे रस्ते गलत ने, बेईमानी और गैर इंसानियत जदों आती है उदों फिर दिक्कत आती है, सक्सैसफुल होण दा रस्ता भटक जाता बंदा। ये तीन चीज़ा जी रखिए ख्याल तो बिल्कुल ख्याल रखेंगे। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्ना मैनू मान देंदे ने, इन्नी भीड़ हुंदी है। एक मिनट वास्ते मैं होर के जेडे ध्यान देंदे ने उन्होंने पता है कि बाहर रस हुंदा, मैं कैबिन विच बैठ के उन्होंने क्लाइंट्स का काम कर रहा हूं, उन्होंने लगता है कि अंदर पता नहीं इन्ना टाइम क्यों लगता है, जो अंदर आते हैं आप कहते हैं कि जी बाहर महसूस हुंदा सी, लेकिन अंदर आके मन में तसली मिल गई कि काम बड़ा जेनुअनली वधिया तरीके नाल हुंदा है। बड़ा सीरियस मैटर है बाहर जाने का, लखां रुपए इनवॉल्वड ने, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं माफ़ी मंगदा इन्ना इंतजार मिलन वास्ते, इंतजार करने वास्ते, करवाने वास्ते, लेकिन मैं परसनली मिलदा हर एक किसी, हर किसी के केस का बहुत ही प्यार नाल ख्याल करदा दिलों और एक जस्ट लाइक ए फैमिली मैंबर। और मैं एक मिनट होर लेना चाहना संतु साहब के वह भी लोग ने जिहड़े के धक्का दे देंदे ने पानी दे विच किसी नूं मारन वास्ते, बड़ी अखबारों खबर सुनते हैं, वह भी लोग ने, असं भी खबर सुनते हैं जेडे कि पानी च छाल मार देंगे ने डुबदे हुए बचाने वास्ते। इट इज़ ऑल ए मैटर ऑफ हर्ट कि तुहाडा दिल किदां दा हैगा। सो मैं जिहड़ा है आई एम वेरी ओपन, बहुत खास ख्याल एज ए फैमिली मैंबर रखता हैगा और बहुत दिलों तुहाडा ख्याल करता हैगा। मोस्ट वेलकम। 25 दिन तो तुम वक् शहरों सैमीनार कर रहे हो, मेरा हर कंसलटेंट्स यही सवाल होंगे कि बच्चों बेनीफिट की होंगे इस चीज़ का, सैमीनार का अवेयरनैस ही है, एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू तो है, या तुम किस सोच न सैमीनार ऑर्गेनाइज करते हो? बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है जी, मैं देखा बहुत फर्क पैंदा है। साड़ी एडमिशन टीम साइड पर बैठी होंगी है, जदों खास तौर पर मैं फोन करते हैं, कई बार फोन पर डिस्कस करने की कोशिश करते अपने केस में, उदों भी बड़ा डिफरेंट होंगे है, जदों के आमने सामने जो क्लाइंट बैठा होंगे उदों गल होर होंगी है। मेरे मिलन की गल करिए मेरी परसनल विजिट्स होंगे ने अलग अलग शहरों के वीकली जड़िया होंगे ने, लेकिन मेरी एडमिशन टीम नाल नहीं होंगी, फाइलिंग टीम कई बार नाल नहीं होंगी। जो सैमीनार करते हैं सारिया टीमों चलदिया ने, कई गड्डिया नाल जांदियां ने, फाइलिंग टीम नाल हुंदी है, एडमिशन टीम हुंदी है, काउंसलिंग मैनेजर्स नाल हुंदे ने और परसनल एक दूजे नाल रूबरू होकर गलबात हुंदी है। हर एक केस नूं मैं परसनली हर एक नूं मिलदा हैगा और हर एक केस ते भावें किन्नी भी पीड़ होवे बिल्कुल दिलों। और एक मेरा दोस्त कहिंदा
कि मैं परसनल गल शेयर करना है करते रहने है और मैं जिदा मैं क्या सारे दर्शकों जस्ट लाइक ए फैमिली मैंबर ही मैं मानता है। तो एक मेरे दोस्त ने कहता कहिंदा जी मैं फलाने दिन मिलिया सी बहुत भीड़ सी मैं तुहानू दोबारा मिलना चाहना। मैं क्या उन्हें तुहानू दस्या सी सारा कुछ यार? कहिंदे जी उदों मैनू ये लगता है भीड़ भड़के कुछ गलत ना हो गया हो ते मैं दोबारा मिलना चाहना। मैं क्या यार वो डॉक्टर सीगा मेरा दोस्त क्योंकि मैं डॉक्टर रहा तो वह भी डॉक्टर सीगा। मैं क्या तू मैनू एक गल का जवाब दे यार तू तेरे उत्थे भीड़ हुंदी तू आप ही दसदा सी मेरे कोल बड़ी भीड़ हुंदी है। कदे उल्टियां वाले मरीज नू तू कदे दस्तां दी दवाई देती भी गलती नाल उल्टियां वाले नू टट्टियां दी दवाई देती? कहिंदा नहीं जी। तो कहना सेम ही जीवित बी मैं क्या इन्नी इन्नी डॉक्टरी की इन्ने साल यार ये गलतियां नहीं होंदियां। जो एक क्लाइंट नू डील करीदा उस दी फाइल का ही सिर्फ ध्यान रखीदा बाकी सारे वक्रे उदों उस ते वर्क करके उन्हों डिसीजन कर दीदा भी इस कॉलेज इस कोर्स आ काम इदा इदा करना लिख दिता गल खत्म हुई उन्हों ध्यान नाल देख के निबेड़ता कोई ऐसी गल नहीं वेलकम। लेकिन यही होंगे कि सैमीनार के उपर मैं देखा जी बहुत जमीन आसमान का फर्क पैंदा और लोग इस गल का माण भी करते हैं बहुत सारी जिहड़े लोग आते हैं परसनली। और हुण जिहड़ा है मैं जिथे भी जाना लोग के कहिंदे ने कि जी पिछले वारी कल मिलन की कोशिश की परसों मिलन की कोशिश भीड़ ज़्यादा सी नहीं मिल सके सी अज आए हैगे प्लीज़ जिहड़ा सा टाइम दे दिओ। तो सैमीनार ते वेलकम हैगा डेफिनेटली। सैमीनार ते खास तौर पर जां मेरी वीकली विजिट्स ने हर सोमवार मोगा हर मंगलवार फिरोजपुर हर बुधवार अमृतसर हर वीरवार जलंधर हर शुक्रवार मोहाली ऑफिस दे विच मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब बच्चे जो आते हैं तुहाडे कोल अजकल सोशल साइट्स का जमाना है बहुत कुछ एडवांस हो गया बच्चा कुछ लाह लै रहा है ना तो जो आता तो कॉलेज कोर्सों बारे कुछ अपन जड़िया लोड़ा ने क्वेश्चनस ने नैट तो लभ के साइट्स तो लभ के वैबसाइट्स तो लभ के आंदा है जो अज भी कागज लैके आ जाता जी कनेडा जाना? बिल्कुल हर तरह के बंदे ने देखो बच्चे उस तरह के भी ने जोड़े कि सारी रिसर्च करके आते हैं कुछ इस तरह के भी ने जोड़े बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होंगे और कुछ मीडियम टाइप देने। लेकिन डेफिनेटली बच्चे उन्ने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो सकते ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सकते दे डिपेंडेंट डेफिनेटली वो बहुत दिलों मैं देखा जो मेरे सामने बैठते दिलों ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ सानू प्रॉपर गाइडेंस देना। और विद गॉड्स ग्रेस मैं वाहगुरु का शुक्र करदा कि उसने इस काबिल बनाया कि पूरी तरह जी चीज इमीग्रेसन के रूल रेगुलेशन ला दे विच एज एन इमीग्रेसन एडवोकेट मैं बिल्कुल जेनुअनली बड़ा अच्छी तरह एक्सपर्टीज हैगी है। और दूसरी तरफ जी पढ़ाई सारे प्रोग्राम जी तुसी कोई साइंस का प्रोग्राम लै लो आर्ट्स का लै लो पढ़े लिखे होने के नाते पहले डॉक्टरी की फिर ये काम यदा ला किया तो वह हाईली क्वालिफाइड बड़े अच्छे तरीके पढ़े लिखे होने के नाते भी कदर करते हैं कि बच्चे इंटैलीजेंट होंगे है 80-90% वाले बच्चे ने 7-7-8-8 बैंड होंगे ने बड़े सही उन्होंने डर हों कि किसी कोई कंसल्टेंट जरा है अपने लालच के गलत कोर्स गलत कॉलेज ना भेज दे जिते कि मैं वीजा भी लवा दा लखा रुपया भी फीस दे पे कर दवा जी कि बाद नॉन रिफंडेबल हो जाते हैं तो कित फस जावा मैं तो मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो आप दसते हैं कि जी इस तरह का चाहते हैं। कई होंगे ने कहते जी सू पढ़ना घट पे उस तरह का कोर्स दो कई कहें जी असी करियर वधिया प्रोग्राम लैना चाहते हैं वह दो बिल्कुल ख्याल करके असी करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत पैंती है भावें थोड़ी उन्होंने नॉलेज है या ज़्यादा और बड़े दिलों ख्याल करके उन्होंने पूरी उन्होंने क्लाइंट के इंट्रस्ट इस गल की मेरी कमिटमेंट है कि अपने किसी इंट्रस्ट ना लिया के बच्चों के इंट्रस्ट में लिया के और रब न हाजर नाजर मन के बच्चों का ध्यान रख के उन्हों की फ्यूचर में ख्याल रख के उन्हों की चाहत उन्ह किठे किड़े कॉलेज किड़े प्रोविंस के जाना चाहते हैं कि उन्होंने वास्ते बेस्ट हैगा ये दिलों उन्होंने एडवाइस करीदा है जी। डॉक्टर साहब जनवरी इनटेक दी थोड़ी जी गल कर लिए अक्टूबर जिन्हों के पेपर होने ने हुण आइल्स के उन्होंने की पॉसिबिलिटी जनवरी इनटेक की? जनवरी देखो एक तो यह कि देखो सैरिडन कॉलेज वही गल सितंबर के प्रोग्राम जोड़े अप्रैल मई के फुल हो गए बहुत एक रिकॉर्ड टाइम चल रहा बहुत हाई रश चल रहा है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया होर सारे कंट्रीज टाइट है ने बहुत घट वीजा दे रहे हैं कैनेडा खुलिया होया बहुत ज़्यादा वीजा दे रहे हैं एवरीबडी इज गोइंग टू कैनेडा और PR की ऑप्शन बड़ी अच्छी ने ज़्यादातर बच्चे मैं नहीं देखे अगर बच्चे पढ़ते नहीं उत्थे तो एक डिफरेंट गल अदरवाइज PR सारे की होंगी कैनेडा रोज़ मेरे बच्चे कॉन्टैक्ट करते मेरी PR होगी मेरी PR होगी। और साडे कैनेडा के ऑफिस जोड़े ने सैस्कैटून के हैगा टोरंटो के ऑफिस खुलिया ब्रैम्पटन मिसीजागा टोरंटो के सेंटर के जरा ऑफिस पूरी तरह उत्थे PR की ऑप्शन उन्होंने गाइडेंस दे के जो बच्चे इतों जाते एयरपोर्ट पिकअप रेजिडेंस अरेजमेंट की हैल्प दे के बहुत ज़्यादा केयर करते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी। तो उन्होंने ये रस इन्ना ज़्यादा चलता पाया है कि जे अक्टूबर कंडीशनल ऑफर लैटर लेने पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कंडीशनल ऑफर लैटर हुणे पवा देन
ਸੈਡਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਮਿਲੇਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਸੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਵੈਨਕੂਵਰ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣ ਫਟਾਫਟ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਗੌਰਮੈਂਟ SPP ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਓਵਰਆਲ 6 ≤ 5.5 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ PG ਵਾਸਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਾਸਤੇ 6.5 ≤ 6 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੈਨਿਕਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕੇਗਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕੇਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਪਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਲੰਗਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲੰਗਾਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਔਰ ਬਲਫ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੈਨੂਅਨੈਸ ਓਨੈਸਟੀ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਸ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਆਪਸਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ
फेथ हाई लैवल फेथ और ऑनेस्टी जी इस फील्ड दे विच इन्नी ज़्यादा गड़बड़ी और लोगों को बड़ा डर हुंदा डरे हुंदे ने कि पता नहीं जिहड़ा कंसल्टेंट किस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा झूठ फरेब ड्रामा करेगा सानू फसा लेगा लखा रुपये ले लेगा या हिडन चार्जिज होणगे सवाल ही नहीं है इस गल की 100% गरंटी मेरी अपनी मैं मिले जा सकता है 100% गरंटी ऑनेस्टी सिंसीयरिटी जिस तरह फैमिली मैंबर गाइड करीदा बच्चों अपने बच्चे समझ के उस तरह ट्रीट करन दी मेरी 100% कमिटमेंट और एक्चुअली शो है कोई टेंशन नहीं है तुसी साडे कोल जदों मर्जी डॉक्टर साहब अजकल एक होर देखे जा रहा है तुसी भी दस रहे सी ऑफ द रिकॉर्ड कि कई कॉलेज फुल हो जाते हैं उन्होंने नाल लगते शहरों के बड़ी डिमांड होंगी उन्होंने सब जिहड़े अपने कैंपस खोल ले इस चीज़ का बच्चे किवें लैंदे ने एक्शन रिएक्शन किवें हुंदा बच्चों का इस चीज़ बिल्कुल देखो इदा है कि एक पॉइंट टू बी नोटेड बड़ा इंपोर्टेंट सवाल तुसी उठाया हैगा कि मान लो कि बच्चे जिहड़े ने टोरंटो दे विच कोई रिलेटिव रहिंदा हैगा हुण ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਨੀਆ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਮਟਨ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਸਾਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਦੁਆਰਤਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੈਮਟਨ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਜ ਨੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਜਿਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ये कि प्राइवेट कुछ कॉलेजेस दे नाल मिलके उन्होंने उत्थे अपनी पढ़ाई शुरू टीचिंग शुरू करवा दिती और उत्थे अपने कैंपस बनवा ले ते उत्थे ऑफर लैटर भी एस पी पी कॉलेज की मान लो कि लैमटन कॉलेज है लैमटन कॉलेज की ऑफर लैटर आएगी और वीज़ा भी लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्थे जाके वर्क परमिट भी मिलेगा पी आर भी होएगी सारा मतलब कागजी काम दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मान लो कि लैमटन की गल करिए सारनिया जिहड़ा मेन कैंपस हैगा जिहड़ा कि टोरंटो तो 3-4 घंटे का रस्ता हैगा वह मेन कैंपस है वड्डा सारा कॉलेज हैगा और उसदे सब कैंपस तो हो ही नहीं सकता ना इंपॉसिबिलिटी बिल्कुल हो ही नहीं सकता और उसने सब कैंपस अपने मिसिसागा च भी सब कुछ कैंपस खोलता और टोरंटो दे विच भी खोलता कैनाडोर कॉलेज ने भी अपना एक कैंपस जिहड़ा हैगा टोरंटो दे विच खोल दिता इस तरह सेंट क्लेयर कॉलेज ने टोरंटो दे विच एक खोल दिता सेंट लॉरेंस कॉलेज ने अल्फा अकैडमी दे नाते जिहड़ा हैगा खोल दिता सो वह जिहड़ा हैगा ये सब कैंपसिज ने छोटे कैंपसिज ने असी कई बार की हुंदा कि प्रोग्राम ही इस तरह का मान लो कि लैमटन कॉलेज के एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत वधिया प्रोग्राम हैगा जिहड़े बच्चे टोरंटो जाना चाहते हैं असी उन्होंने वो प्रोग्राम दिने ते वीजा भी लगता कोई प्रॉब्लम नहीं ते टोरंटो पहुंच जाते हैं सोचो एक बच्चा उत्थे पहुंच के कहिंदा सर छोटा कॉलेज सीगा मतलब ज़्यादा वधिया कॉलेज नहीं हैगा गल ये है कि भी एक तो ऑप्शन ही नहीं है प्रोग्राम होर कितें है ही नहीं तुहाडे मतलब दा वधिया प्रोग्राम ते अपन इस कॉलेज दे विच ही सब कैंपस मिल रहा है वधिया गल है दूसरी गल अपना कोई रिलेटिव टोरंटो रहना रहिंदा हैगा जां साडी प्रेफरेंस है कि असीं टोरंटो दे विच जाना चाहते हैं तो असीं उत्थे एडवाइस कर दिता कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जो बच्चा चाहे माइग्रेट हो सकता है मान लो फॉर एग्जांपल अपन लेने के टोरंटो लैमटन दा जड़ा सब कैंपस खुला है जड़ा दूर सीगा ते नालो नेड़े खोलता उन्होंने बच्चा दूर वाले जी वड्डे जाना चाहे या वड्डे तो छोटे जाना चाहे चेंज ऑफ कैंपस जड़ा चेंज ऑफ कैंपस पॉसिबल नहीं है अच्छा नहीं जेड़े कैंपस दे विच जाऊगा उसी कैंपस च पढ़ना पैना एक कैंपस तो दूजे कैंपस दे विच कॉलेज बिल्कुल अलाउ नहीं करता अलाउड नहीं हैगा बच्चों नूं मेरी इंस्ट्रक्शन हैगी एडवाइस हैगी है कि चंगी तरह वैसे भी अपनी देखो पिछले इनटेक दे विच सितंबर दे विच साडियां सैकड़ां जिहड़ियां एप्लीकेशन दे विचों 10 बच्चों की इंटरव्यू आई सी दिल्ली दे विच और परसनल इंटरव्यू लैटर आईया सी और उन्होंने परसनल जाके फेस टू फेस इंटरव्यू दित्ती सी कई सालों तो बाद होया इस तरह और दसा दे 10 दे वीजे लगे विद गॉड्स ग्रेस ऑफ द मेयर नाल उन्होंने तैयारी कराई दी है पता भी हुंदा और साडी कंपनी की आदत है ये नहीं कि बच्चा आया तो उन्होंने कहें जा भी तू घरे जाके सो जा वीजा लग जूगा तेरा नहीं वी कीप हिम इनवॉल्व असी बच्चे नूं नाल रखते हैं बच्चे नूं पता होना चाहिए मेरी एडवाइस है पढ़े लिखे वांगू काम करना है कि सानूं पता होना चाहिए भी साडे बैंड किन्ने हैगे है साडे नंबर किन्ने हैगे की पढ़ाई की जी पढ़ाई दे विच की कीता सी अगे की पढ़न चलने हैं साडा कॉलेज कोर्स कित्थे हैगा कोर्स दे कॉन्टेंट्स जिहड़े है की पढ़ने हैगे मैं ये सारिया चीज़ों की और फंड्स जिहड़े मैं की दिखाए हैगे मतलब अपनी फाइल के बारे कुछ भी नहीं है छोटी जी गल हैगी सारी नॉलेज होनी चाहिए हैगी हुई नहीं लेकिन
हो भी सकती है भी कदे भी फोन आ सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकती है, पर्सनल कॉल पर्सनल बुलवाया जा सकता है पर्सनल इंटरव्यू वास्ते, सो दे शुड हैव ऑल द इनफॉर्मेशन। और इस तरह जो सब कैंपसिस की गल करिए ऑफर लैटर के उपर वह लिखा होंगे, ऑफर लैटर के उपर लिखा होंगे कि कहड़ा कैंपस है। साडा एक बच्चा सी एतकी बार उन्होंने पता नहीं सीगा कि कहड़ा कैंपस है, ऑफर लैटर देखी तो उन्होंने पता ही नहीं सीगा, बाद जाके पता लग गया कि मैं सोचा सी फलाना कैंपस है, एक्चुअली ये फलाना कैंपस है। तो साडे बंदे दसदे तो है मोस्टली, लेकिन कदे कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है या तुसीं ध्यान नहीं दिता। तो बिल्कुल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, देखो प्लस टू तो बाद ही जाते हैं या ग्रैजुएशन तो बाद जाते प्लस टू, और असी पहले भी कहने भी स्कूलिंग वीजा दे चांसिस आलमोस्ट बहुत ही नेगलीजिबल ने, मैं कदे किसी का लगता नहीं देखा, जो सही गल है बिल्कुल ठीक है। असी पहले ही कहने कि सानू कोई भी बंदा स्कूलिंग वीजा वास्ते और वर्क परमिट वास्ते ना फोन कर ना कॉन्टैक्ट कर ना मिलन सानू, डोंट सानू टाइम ना साडा लगे। तो सर ये ना एक होर बड़ा मुद्दा हैगा, तुसीं स्टार्टिंग च भी गल की, एक दिन पहला भी तुसीं अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, नैट पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, हर कोई कहता जी आईसीसी आरसी मैंबर के बेनीफिट होंगे ने कनेडा जाने वेले, पर आईसीसी आरसी मैंबर का तो बेनीफिट है जिम्मे फाइल आ रहा है, तुसी मेरी फाइल देख रहे हो। अगर बहुत सारे सब एजेंट्स अजकल अखबारों लिख देंगे आईसीसीआरसी मैंबर, छोटा जा स्टार पाक लिखा होता है एसोसिएट विद, उसका क्या मतलब है? देखो वो तो ये है कि बई मैं मैनू पता नहीं कि आईसीसीआरसी किवें करती है, लेकिन मैं आप ये देखा कि किसी ने लिखा हुआ सी कि आईसीसीआरसी मैंबर, और उस अखबार की बिल्कुल साइड पर लिखे सी एसोसिएट मैंबर ऑफ दिस, एक्चुअली जरा एसोसिएट मैंबर ऑफ दिस जो लिखा है, जो स्टार के अगर नाम लिखा है वो बंदा एक्चुअली आईसीसीआरसी मैंबर है, ये एजेंट है। हुण जिहड़े ये अगर आईसीसीआरसी की वैबसाइट पर जाइए तो खैर असी मैंबर है, असी जदों विच जाने तो बड़ा कुछ इनफॉर्मेशन होंदी है, पता नहीं है कि नहीं इन्हों आम परसन अवेलेबल, लेकिन उत्थे ना एजेंट्स दी गाइडलाइनस ने कि एजेंट जे किसी का मान लो मैं आईसीसीआरसी मैंबर है, मैं किसी को अपॉइंट कर सकता एजेंट, कोई ब्रांच खोली मान लो कि इतों ब्रांच खोल दी आउट ऑफ जो प्रोविंस आउट ऑफ स्टेट मान लो आंध्र प्रदेश के खोल दी, तो उत्थे उसनों अपना एजेंट अपॉइंट कर दिता, तो एजेंट के उन्होंने ये किया कि एजेंट इमीग्रेशन की एडवाइस नहीं कर सकता, सिर्फ अपने क्लाइंट नू रेफर कर सकता है, दे सकता है भी तू बई वो को रवि गर्ग को चला जा आईसीसीआरसी मैंबर, तुम पूरी तरह समझा दूंगा, तू मेरे को आया डोंट वरी, तू वो साडा जो मैंबर है आईसीसीआरसी मैंबर फलाना है, तुम उन्होंने मिल लो वो गलबात कर लो तो थोड़ा काम हो जाएगा, या मतलब वधिया सलाह दे चांसेस च नहीं आना चाहिए बिल्कुल। तो आप जो है आईसीसीआरसी मैंबर नहीं है, हुण लिखिया हुंदा आईसीसीआरसी मैंबर आई डोंट थिंक लिख सकते ने वो, और एक्चुअली तो वो आईसीसीआरसी मैंबर है भी नहीं है, और डेफिनेटली जो आईसीसीआरसी मैंबर नहीं है तो ना ही वो कनेडियन पी आर या सिटीजन है नहीं, और ना ही उन्होंने जोड़े आइलट्स अकैडमिक के सैवन बैंड ईच के रिक्वायरमेंट होंगी है वो पास किया, ना ही होर कोई एग्जाम्स पास किए, ना ही उन्होंने परसनली जी है आईसीसीआरसी और कनेडियन एम्बैसी की जी अपडेट सानू आदि ने आईसीसीआरसी मैंबरस वो आदि ने, तो वो जोड़ा है वो नैचुरली कंपीटेंट नहीं होएगा। तो ये मेरे हिसाब न थोड़ी जी गाइडेंस ये जी इनफॉर्मेशन सही नहीं हैगी, और क्लाइंट्स नू अवेयर हो जाना चाहिए, देखना चाहिए। बड़ी सारी कंपनियां ने यह भी लिखा है कि आईसीसीआरसी का लोगो लाता स्टैंप लाती तो खरीदे होंगे ने, सारे पहले ही अवेयरनैस हैगी है कि किसी आईसीसीआरसी मैंबर कनेडा च बैठे हुए जी दी स्टैंप खरीद ली, उन्होंने महीने के महीने पैसे देते, उस आईसीसीआरसी मैंबर नू मिले नहीं कदे, फोन ही नहीं हो सकता, गलबात नहीं हो सकती, मिल नहीं सकते, उस आईसीसीआरसी मैंबर नू पता ही नहीं कि इतने किसी का केस चलता पाया, उसकी फाइल तो वर्क ही नहीं किया, पता ही नहीं दुनियादारी का, तो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू डॉक्टर साहब स्टूडियो आने लिये, अजकल सैमीनार भी और बहुत सारा बच्चा तुम्हें मिलता भी है, अज जिन्हें सैमीनार च दिक्कत सगिया या बच्चों सगिया जनवरी इनटेक सैप्टेंबर लिए कि सीटा कितने फुल हुई कि कॉलेज हैगा कि अजक गुमराह कौन एडवरटीजमेंट चल रही है, इस दुआले जोड़ा शो घूमया मन के कोई सवाल है जो अपनी प्रोफाइल संबंधी कोई डिस्कस या असैसमेंट करवानी चाहते हो, पाइनर इमीग्रेशन के नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, शो द्वारा देखना चाहते हो यह प्रोग्राम लेते कारण 3:30 बजे हाजिर होंगे, तो अपने दोस्त रणबीर सिंह द्वारा शुक्रिया धनबाद।